खबर बिहार से, जहां जेडीयू और बीजेपी की दोस्ती पर बीजेपी के एक विधान पार्षद ने अपने बयान से सवाल खड़े कर दिए हैं। एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगने के बाद बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी दी है। टुन्ना पांडे ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने शराब घोटाला किया है। ये है बिहार में बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे, इन पर एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगा है। आरोप लगने के बाद इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेल भिजवाने की धमकी दी है। टुन्ना पांडे ने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार ने साल 2009 में शराब घोटाला किया है, इसलिए उन्हें बहुत जल्द जेल भिजवा कर रहेंगे। नीतीश कुमार के रहम करम पर हम उनको जिंदाबाद करने वाले नेता थोड़ी है, परिस्थितियों के ही मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। पिछले बार वो 2 नंबर की पार्टी थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। इस बार 3 नंबर में ठेला गए, तभी भी मुख्यमंत्री बन गए। वो पिछले जन्म के तो भाग्यशाली हैं, वो परिस्थितियों के तो मुख्यमंत्री है ना जी। मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, ना चुनाव लड़े हैं ना चुनाव जीते हैं, और 3 नंबर की पार्टी है, फिर भी मुख्यमंत्री है, सब लोग उन्हीं को नेता मानता है। अब इससे बड़ा विडंबना और क्या होगा। टुन्ना पांडे पर कुछ दिन पहले पूर्व विधायक विक्रम कुंवर ने एम्बुलेंस घोटाले का आरोप लगाया था। इन पर 7 लाख की एम्बुलेंस 22 लाख में खरीदने का आरोप लगा था। इस पर सफाई देते हुए टुन्ना पांडे ने कहा कि 38 लाख की एम्बुलेंस उन्होंने अपने फंड से 22 लाख में खरीदी, जो बिल्कुल सरासर गलत है सर। मैंने हमको जहाँ से लगता है कि जो एम्बुलेंस की सुविधा आप जोड़िए 38 लाख का एम्बुलेंस में है, वही सुविधा क्रय समिति जो सिवान की है उसको तो धन्यवाद देना चाहिए। डीएम साहब, सीए साहब, डीपीओ साहब, चाहे डीडीसी साहब को, कि उसको आप जेम पोर्टल पर आप सर्च करिए कि वो जोड़िए कि 38 लाख का जो सामान है, 38 लाख की जो व्यवस्था है, सो उन्होंने 21 लाख में 22 लाख में व्यवस्था कर दिया उन्होंने। उसमें 15 से 16 लाख रुपया, 17 लाख रुपया एक एम्बुलेंस में उन्होंने बचत किया है। टुन्ना पांडे के बयान से जेडीयू नाराज है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने टुन्ना पांडे को बीजेपी से बाहर करने की मांग की है। एक्शन होना चाहिए, उसको तुरंत पार्टी से निकालना चाहिए। और बोलता है वो आदमी कि हम नीतीश कुमार को जेल भेज देंगे। कोई माइका लाल नीतीश कुमार जी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा सकता है क्या? ये जो उंगली उठा रहा है ना लोग, उस उंगली उठाने वाला को उंगली काट लिया जाएगा। देखिए, हम लोग के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता है। नीतीश कुमार जी अपने शर्तों पर राजनीति किए हैं और करेंगे, कोई उनको झुका नहीं सकता। टुन्ना पांडे बीजेपी में रहकर आरजेडी की तारीफ करते रहे हैं। उन्होंने लालू तेजस्वी की तारीफ करके अपने भाई को बड़हरिया से टिकट भी दिलवाया और विधायक बनवाया। फिलहाल आरजेडी बीजेपी जेडीयू की लड़ाई में चुटकी ले रही है। भाजपा जान रही है कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं और भाजपा आने वाले दिनों में बदला लेगी। सवाल है कि ईंट का पत्थर, जवाब तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और जिस दिन उधर से हुआ तो ये रुस्कत हो जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कहीं ऐसा ना हो कि टुन्ना पांडे की इस बयानबाजी के बाद से जेडीयू बीजेपी में तकरार वाली स्थिति पैदा हो जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि बिहार की सियासत किस करवट बैठेगी। ABP News आपको रखे आगे।